नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के सेशन के विच आप पढ़ांगे मोहम्मद गोरी। चलते हैं जी अपने इस टॉपिक पर। हाँ जी, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आप ध्यान से रखने हैं। मोहम्मद गोरी आए का जो शासन का समय वो है 1175 तो लैके 1206 तक। गोरी राजवंश 12वीं सदी के मध्य के इसका जन्म हुंदा है जा इदा उत्थान हुंदा, ठीक है जी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी सी, इतिहास च रखना जी, बहुत सारे एग्जाम के पूछा गया शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इतिहास के मोहम्मद गोरी को मोइजुद्दीन मोहम्मद बिनसाम के नाम भी जाने जाता है, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिनसाम के नाम भी जाने जाता है। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 ईस्वी के होया। मोहम्मद गोरी तुरकों के शंशबानी वंश के नाल संबंध रखता सी। यह पूर्वी ईरान तो आया सी ते इसने गोर खेत्र दे विच अपना जिहड़ा है निवास स्थान बनाया सी, ठीक है जी। ये ध्यान च रखने सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है जी। हाँ जी, एक गोर दे जिहड़े शासक सी ग्यासुद्दीन उहदा छोटा भरा सी, ठीक है जी। ध्यान च रखने सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है जी, ये मोहम्मद गोरी नाल संबंधित। मोहम्मद गोरी ने 1173 दे विच गजनी नूं जित्तण दे लई बहुत वड्डी भूमिका निभाई। इसे करके उसके वड्डे भरा ग्यासुद्दीन ने इस नूं गजनी दा जिहड़ा शासक है जिहड़ा उह राजा उह नियुक्त कर दित्ता। भावें मोहम्मद गोरी एक सुतंत्र राजा जां शासक बन गया पर वह अपने भरा ही अपना स्वामी मानता सी। यही कारण है कि उसने ना तो अपने नाँ के सिक्के जारी किए तो ना ही खुतबा जिहड़ा वह पढ़िया, ठीक है जी। जिहड़ा मुसलमान धर्म के जिहड़ा राजा है वह शुक्रवार वाले दिन है वह खुतबा पढ़ता है, अपना जिहड़ा संबोधन आम जनता को करता, तो उसकी प्रशंसा के जिहड़े हैगे है जिहड़े वह श्लोक पढ़े जाते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखनी है कि प्रशंसा की जाती है। उसने 1206 ईस्वी के गजनी से शासन किया। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है जी, तुम सारे फैक्टों को ध्यान रखना जी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम की सी? हाँ जी, इनू शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है, इतिहास के मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है, ठीक है जी। राइट आंसर बनवा जी बी। मोहम्मद गोरी किस खानदान का राजा सी जां शासक सी? हाँ जी, शंशबानी खानदान के नाल संबंध रखता है। शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गजनी नूं कदों जितया सी? 1173 दे विच इस द्वारा ही जितया गया सी। शिहाबुद्दीन गोरी वाज बोर्न इन गोरीन, दसना मोहम्मद गोरी का जन्म गोर दे विच कदों होया सी? 1149 दे विच इसका जन्म होया सी। हाँ जी, मोहम्मद गोरी के हमलों के उद्देश्य। हाँ जी, भारत के किए हमलों के उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। सब तो पहली गल ध्यान रखनी है, भारत के उसने कुल 7 हमले किए, ठीक है जी। पहला उद्देश्य की सीगा? वी गजनी के छोटे जिहे राज तो संतुष्ट नहीं सी ते वो अपने राज का विस्तार करना चाहता सी भारत उत्ते कब्जा करके, पहला उद्देश्य यह सी। दूसरा यह सी कि उसने पंजाब ते महमूद गजनवी द्वारा नियुक्त किए गए सूबेदार मलिक खसरो का शासन कायम सी ते ए मोहम्मद गोरी के लिए किसी भी समय खतरा बन सकता सी। जिहड़ा मोहम्मद गोरी है उसने महमूद गजनवी दे जिहड़ा राज सी गजनी उहदे उपर तां कब्जा कर लिया सी, पर पंजाब का जिहड़ा सूबेदार मलिक खुसरो गजनवी वह उसके लिए कदे भी भविख में खतरा बन सकता सी, इस करके ये भी एक कारण सी उहदे हमलों का। तीसरा जिहड़ा मुख्य कारण सीगा उहनां विच्चों उह सीगा उह भारत विच्चों अपार धन प्राप्त करके अपनी स्थिति नूं होर मजबूत करना चाहुंदा सी। चौथा, वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करके दुनिया के इतिहास के अपना नाम अमर करना चाहता है, ठीक है जी। ये मोहम्मद गोरी के हमलों के कुछ मुख्य उद्देश्य। मोहम्मद गोरी के हमलों के उद्देश्य की सन? राज का विस्तार करना बिल्कुल राइट है, धन दौलत प्राप्त करना यह भी उद्देश्य सी, पंजाब के सूबेदार मलिक खसरो तो खतरा से यह भी बिल्कुल ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना यह भी बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर बनेगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी, ऑल बनेगा जी। हाँ जी, मुख्य हमले मोहम्मद गोरी ने 1175 तो लैके 1206 ईस्वी तक भारत के जिहड़े हैगे 7 हमले किए, ध्यान रख लेने हैं। इन हमलों के उसके 4 सेनापति या 4 गुलाम से उसके कुतुबद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, तजाउद्दीन जलदोज से नसरुद्दीन कोबाचा, ठीक है जी। इन्होंने इस चारा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ जी, सब तो पहला हमला जिहड़ा है वह मुल्तान से हमला किया 1175 में, तो उच्चते हमला किया 1176 के, ध्यान रख लेना जी। मोहम्मद गोरी ने 1175 के गोमल दरे को पार करते हुए सब तो पहला हमला मुल्तान से किया, ठीक है जी। एग्जाम से सवाल पूछा जाता भारत से पहला हमला कदों किया, तो यह मुल्तान का हमला ही भारत से पहला हमला 1175 के। सवाल पूछा जाता किहड़े दरे को पार करता होया उसने मुल्तान से हमला किया? हाँ जी, जां सिंध ते हमला किया सीगा, तां उह गोमल दरा है, गोमल दरे नूं पार करदा होया उसने भारत ते जां सिंध ते हमला किया सी। मुल्तान दे विच करमाथी कबीले दा राज सी ते इह कबीला इस्लाम धर्म दे बिल्कुल खिलाफ सी ते इस्लाम विरोधी होण दे कारण मोहम्मद गोरी इस कबीले दे राज दा अंत करना चाहुंदा सी। उसने बड़ी आसानी दे नाल मुल्तान ते कब्जा कर लिया ते गोरी ने फिर अगे वध के 1176 दे विच उच्च ते भी अपना कब्जा कर लिया, ठीक है जी। इह ध्यान च रखना है, इह पहला हमला सी मुल्तान ते। हाँ जी, दूसरा हमला जिहड़ा सीगा वह गुजरात ते कीता 1178 दे विच, ते एक अजिहा हमला है जिहदे विच मोहम्मद गोरी की पहली हार हुई सी। गुजरात दे विच उस समय मूल राज दूजा जां भीम दूजे का शासन सी ते जिहड़ा गुजरात है भूगोलिक ते वपारिक दृष्टि तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सी, इसलिए मोहम्मद गोरी ने 1178 दे विच गुजरात ते हमला कर दिता। कायदर दे विच एक बहुत भयानक लड़ाई लड़ी गई ते भीम देव दूजे ने गोरी नूं करारी हार दित्ती ते मोहम्मद गोरी मैदान छड्ड के भज गया। यह गोरी की उसके जीवन की पहली हार सी, ठीक है जी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने गुजरात के हमले संबंधी।
हाँ जी पंजाब की जित 1186 के हाँ जी गुजरात में अपनी जो मुहम्मद गोरी की हार हो जाती है तो इस हार का बदला लेना चाहता है। फिर वो देखता है भी गुजरात में जितों तो पहला पंजाब दे विच जिहड़ा खुसरो मलिक है जिहड़ा गजनवी का एक सेनापति सी ते जिसनों उसने पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया सी उन्हों हराना जरूरी सी। इसलिए भारत में जित प्राप्त करने तो पहला गोरी ने पंजाब में जितने का फैसला किया। पंजाब जितों तो पहला उसने 1179 के पेशावर जित लिया सी ते 1182 के उसने सियालकोट ते भी कब्जा कर लिया सी पर वो पंजाब के शासक खुसरो मलिक नूं अपने अधीन ना कर सकिया। 1186 के मुहम्मद गोरी ने जम्मू कश्मीर के शासक चंद्रदेव के सहयोग के नाल पंजाब पर हमला किया पर गोरी नूं कोई सफलता इस हमले के प्राप्त नहीं हुई। फिर गोरी ने धोखे के नाल खुसरो मलिक नूं गिरफ्तार कर लिया तो उसनों मार दिता तो गोरी ने 1186 के पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया तो इस तरह उसने गजनवी राजवंश का भारत में अंत कर दिता। ठीक है जी ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है ध्यान च रखना है। पंजाब का राजा कौन सीगा पंजाब का राजा उस समय से खुसरो मलिक सी। ठीक है ये गजनवी महमूद गजनवी का सेनापति सी जिसनों उसने सूबेदार नियुक्त कर दिता सी ते ये बहुत महत्वपूर्ण सी पंजाब ते जित प्राप्त करना क्योंकि पंजाब ते जित प्राप्त करने तो बाद वो पूरे भारत ते आसानी के नाल जित प्राप्त कर सकता सी। ठीक है जी ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखने जी। हाँ जी तराइन की पहली लड़ाई 1191 के पृथ्वीराज चौहान तीसरा ये ध्यान रखना है ये तीसरे नंबर वाला चौहान सीगा एग्जाम से कई बार पा देंगे पृथ्वीराज चौहान पहला दूसरा तीसरा ध्यान रखना है ये तीसरा सीगा जिहड़ा दिल्ली ते अजमेर का राजा सी ते मुसलमानों के वधे हुए प्रभाव में यह रोकना चाहता सी। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय उत्तर भारत का सब तो शक्तिशाली राजा सी। ठीक है जी ध्यान रखना दिल्ली अजमेर उत्तर भारत में आता है। 1191 के तराइन के विखे ठीक है जी पृथ्वीराज चौहान ते मुहम्मद गोरी दी सेना के विचकार भयानक लड़ाई हुई जिस विच पृथ्वीराज चौहान की सेना भाव राजपूता ने मुसलमानों नू बुरी तरह हरा दिता। इस लड़ाई के मुहम्मद गोरी आप बुरी तरह जख्मी हो गया गोरी के एक सेनापति ने उसनों बड़ी मुश्किल के नाल उसकी जान बचाई पर यह जी लड़ाई से मुहम्मद गोरी की बहुत वड्डी जी हार है जी हुई। ठीक है जी ये ध्यान रखना है 1191 की जी लड़ाई है तराइन की पहली लड़ाई है वो मुहम्मद गोरी हार गया से पृथ्वीराज चौहान तीसरा वो जित हुई सी। हाँ जी अगली जी लड़ाई हैगी है वह है तराइन की दूजी लड़ाई 1192 के। ठीक है जी 1191 की तराइन की पहली लड़ाई के पृथ्वीराज तीजे ने मुहम्मद गोरी हराया से पर उसकी शक्ति वो पूरी तरह खत्म ना कर सकया क्योंकि जो चो भजन मुहम्मद गोरी बच जाता है। तराइन की दूजी जी लड़ाई है 1192 ईस्वी के गोरी ने पृथ्वीराज तीजे को हरा के अजमेर से दिल्ली के इलाकों में जित लिया। अजमेर से दिल्ली का जो राजा से पृथ्वीराज तीजा से उन्होंने हरा के इलाकों पर मुहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया तो इस ही चौहान सामराज का उसने अंत कर दिता। पृथ्वीराज चौहान तीसरे का जागीरदार सीगा जो कि दिल्ली का शासक सीगा तोमर शासक से गोविंद राज इसकी भी तराइन की दूजी लड़ाई के मौत हो जाती है। ठीक है जी ध्यान रखना है चंद बरदाई जिहड़ा कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि सी ते जिसने पृथ्वीराज रासो ठीक है जी एक काव्य की रचना की सी जिस दे विच उसने पृथ्वीराज चौहान के जीवन में पूरी डिटेल दे विच दस्या है। चंद बरदाई के अनुसार युद्ध के विच हारन तो बाद पृथ्वीराज तीजे को बंदी बना के गजनी लजाया गया तो मुहम्मद गोरी ने एक तीर छड़ के उसनों मार दिता उसका कतल कर दिता। ठीक है जी ये ध्यान रखना है ये चंद बरदाई के अनुसार है भी उसनों जो हार जाता है तराइन की दूजी लड़ाई के पृथ्वीराज तीजा तो उसनों बंदी बना के गजनी लजाया जाता। हाँ जी हसन नजामी के अनुसार युद्ध में हार जाने तो बाद कहते पृथ्वीराज जो तीजा है उसने मुहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली अधीनता स्वीकार करने तो बाद गोरी ने उसनों अजमेर का राज वापस कर दिता पर दिल्ली है जो अपने कोल ही रखा गोरी ने। ठीक है जी अगे जाके जो उसने गोरी विरुद्ध बगावत करने की दोबारा कोशिश की तो उस पृथ्वीराज जो तीसरा वो मारा गया। बहुते विद्वान इस गल नूं स्वीकार करते हैं इसकी जी पुष्टि है वह होंगी अजमेर के सिक्कियां तो होंगी है। इस सिक्के के एक पास घोड़ा तो मुहम्मद बिन कासम का चित्र बनया होया तो दूजे पास बल्द तो पृथ्वीराज चौहान है जड़ा वो लिखा हुआ है। ठीक है जी एक पास घोड़ा तो मुहम्मद बिन कासम का चित्र बनया हुआ है दूजे पास बल्द की शकल बनी हुई है तो पृथ्वीराज चौहान है जड़ा वो लिखा हुआ है। ठीक है जी ध्यान रखना 1192 की ईस्वी तो बाद गोरी ने अपने गुलाम ऐबक नूं भारतीय इलाकों का जो प्रशासक है उन्हें घोषित किया। ठीक है जी ये ध्यान रखने सारे फैक्ट। हाँ जी कनौज तो बनारस दी जित्तां ठीक है जी कनौज की जित उसकी छेवीं सी बनारस। ठीक है जी कनौज से बनारस दी आखिरी जी छेवीं जित सी। ठीक है ध्यान रखना है सत्तवीं जी आखिरी लड़ाई है वो पंजाब के खोखरां दे नाल हुंदी है जिहदे विचों मारिया जांदा है। ठीक है ध्यान रखना 1194 दे विच ये हुई सी ते कनौज की लड़ाई है जी इसनों आपां चंदवार की लड़ाई भी कह जांदे। ठीक है जी ये कनौज की लड़ाई राजा जयचंद राठौर के नाल इसकी हुई सी। हाँ जी जयचंद राठौर कनौज का एक प्रसिद्ध राजा सी सब तो पहला पृथ्वीराज चौहान के नाल राजा जयचंद के संबंध बहुते चंगे नहीं सन कारण की सी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी लड़की उसकी लड़की जयचंद राठौर की लड़की संजोगता के नाल जबरदस्ती ब्याह करवा लिया जिस करके दोहां विचकार दुश्मनी चली आ रही थी। यही कारण है कनौज के राजा जयचंद ने तराइन की जी दूजी लड़ाई है उसके लिए पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद ना की। 1194 के मुहम्मद गोरी ने कनौज से हमला कर दिया चंदवार यह ध्यान रखना है विच लड़ाई हुई जयचंद के सैनिकों ने मुसलमानों का डट के मुकाबला किया मुसलमानों की हार होने ही वाली सी कि अचानक एक तीर जयचंद
की अख्त जा लगता है तो वह हाथी तो डिग पैंदा है। उस तो बाद राजपूतों के भगदड़ मच जाती है तो मुसलमान है जोड़े राजपूतों का पिछा करते हैं तो वही गिनती के राजपूतों का कतल कर देंगे। इस जित तो बाद मुहम्मद गौरी आसानी के नाल उसने बनारस से भी कब्जा कर लिया। बनारस तो कब्जा करने तो बाद गौरी ने बहुत सारे बनारस में मंदिरों गरवा के उत्थे मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है जी, दोनों जितना कनौज के बनारस दी जितना मुहम्मद गौरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है 1194 के कनौज की लड़ाई तो बनारस की लड़ाई हुई है, इन आप चंदवार की लड़ाई कहने हैं, राजा जयचंद के नाल ही लड़ी गई थी। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है जी। 1194 तो बाद गौरी के दो जरनैल कुतुबद्दीन ऐबक ते बख्तियार खिलजी ने भारतीय इलाकों में जितना शुरू कर दिया। जिहड़ा बख्तियार खिलजी है उसने बिहार ते बंगाल का जो शासक सीगा सेन शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है जी, उसका सारा पछमी खेत्र है जो बंगाल का, बिहार पूरा ते बंगाल का पछमी खेत्र जित लिया। उस तो बाद उसने बहुत सारिया जो यूनीवर्सिटियां भी तबाह कर दी, जिमें बिहार की नालंदा यूनीवर्सिटी, विक्रमशिला यूनीवर्सिटी, बंगाल की यूनीवर्सिटी, उदांतीपुरी यूनीवर्सिटी जी भी बंगाल की है, ये सारिया उसने तबाह कर दी बख्तियार खिलजी ने। ठीक है जी, ध्यान से रखना जी, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता विक्रमशिला यूनीवर्सिटी किसने तबाह की थी, आंसर आएगा बख्तियार खिलजी। हाँ जी, विच बैटल डिड ओपन दी दिल्ली आर टू मुहम्मद गौरी, जिसने कि लड़ाई ने मुहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाजा खोलिया, उसी तरह की दूजी लड़ाई। ठीक है जी, मुहम्मद गौरी अटैक्ड फ्रॉम गोमल पास इन 1175 एंड कनकर्ड। मुहम्मद गौरी ने 1175 गोमल पास करते हुए हमला किया तो जित लिया, से मुल्तान में जितया से सिंध का इलाका भी कहने। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। इन्होंने किस राजपूत राजे ने पहली बार मुहम्मद गौरी को हराया से, यह गुजरात का शासक भीम देव दूजा। ठीक है जी, ये 1178 के इसने हराया से मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार हमला कितने किया, मुल्तान से किया 1175 के। ठीक है जी, गोमल दरा पार करते हुए। हाँ जी, मुहम्मद गौरी ने पेशावर कदों जितया। ठीक है जी, पेशावर कदों जितया, जोड़ा पेशावर है वह 1179 के जित लिया, ये ध्यान रखना जी। मुहम्मद गौरी किस रस्ते राही मुल्तान कश पहुँचया, गोमल पास नूं पार करता होया पहुँचया। मुहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार में जितया। हाँ जी, बंगाल और बिहार में जितने वाला वह गुलाम से बख्तियार खिलजी, जिन्हें कि बाद में यूनीवर्सिटियों भी तबाह कर दिया। द फस्ट इनवेजन ऑफ मुहम्मद गौरी वाज डायरेक्टेड इन 1175 AD अगेनस्ट। हाँ जी, दसना है मुहम्मद गौरी का जोड़ा पहला हमला जोड़ा 1175 किसके खिलाफ होया, मुल्तान के खिलाफ किया। गजनवी खानदान नाल संबंधित खुसरो मलिक शाह, दसना है कितों का वो शासक सीगा, ये पंजाब का शासक सीगा जी। भीम देव दूजा जो कि अनहलवाड़ा ज पटन गुजरात का शासक सी, ने मुहम्मद गौरी को कदों हराया। हाँ जी, 1178 के हराया, 1175 के मुल्तान से इसका पहला हमला से, यह ध्यान रख लेना है। 1178 के मुहम्मद गौरी की यह पहली हार से, 1191 के तराइन की पहली लड़ाई हुई, तो 1192 तराइन की दूजी लड़ाई हुई थी, जिद मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया। जो बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में बंगाल से हमला किया तो उस समय का हाकम कौन सी, उस समय का हाकम से लक्ष्मण सेन। ठीक है जी, सेन वंश का से यह। वैन वॉज द फस्ट बैटल ऑफ तराइन फाउड, तराइन की पहली लड़ाई कदों लड़ी गई, 1191 के लड़ी गई मुहम्मद गौरी तो पृथ्वीराज चौहान जिद पृथ्वीराज चौहान जी की जित हुई। 1202 के नालंदा यूनीवर्सिटी को किसने तबाह किया, इसमें बख्तियार खिलजी ने तबाह किया। ठीक है जी, वैन डेड गौरी इनवेटेड इंडिया, भारत से कदों हमला किया, पहला हमला 1175 के किया मुल्तान से, तो इसे भारत का हमला किया जाता है। हाउ मैनी टाइम्स सुल्तानस गौरी अटैक ऑन इंडिया, किन्ने बार हमले किए थे, यदा राइट आंसर बनूगा जी 7 टाइम। ठीक है जी, ये ऑप्शन है नहीं है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज वाज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1192 AD एट थानेश्वर बाई, पृथ्वीराज चौहान है उसको गद्दी तो ला दिता गया, मार दिता गया 1192 के थानेश्वर या तराइन के, जिन्होंने तराइन की दूजी लड़ाई कहने, बाई मुहम्मद गौरी के द्वारा, मुहम्मद गौरी द्वारा। शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी इस्टैबलिश द मुस्लिम रूल इन, ठीक है जी, दसना है भी शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने अपना जो मुस्लिम राज कितने स्थापना की थी, यह दिल्ली अजमेर के इसने इस्टैबलिश की, जिन्होंने अपना नॉर्थ इंडिया कहने जी। मुहम्मद गौरी की मौत 1206 के, मुहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर कबीले की बगावत को दबाने भारत से आखिरी हमला किया, जोड़ा कि इसका 7वां हमला से, ध्यान रख लेना। इस मुहिम के दौरान दमजक पछमी पाकिस्तान के नेड़े गौरी की हत्या कर दी गई। ठीक है जी, खोखर कबीले के लोगों ने की थी, तो गौरी ने अपनी मौत तो पहला ही अपने दासा नूं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। गौरी ने लक्ष्मी के चित्र वाले कुछ सिक्के भी जारी किए थे, बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना जी। गौरी की मौत तो बाद उसका राज उसके तीन दास के वंडिया गया, कुतुबद्दीन ऐबक को सारा भारतीय खेत्र आया, दिल्ली ऐबक ने दिल्ली में सलामी साम्राज्य का जो केंद्र बनाया। दूसरा है ताजुद्दीन जलदोज, इस को गजनी का खेत्र आया, तीसरा है नसरुद्दीन कुबाचा, ये को पाकिस्तान उच्च सिंध का जो इलाका वो आया। ठीक है जी, ध्यान रखना, भारतीय खेत्र का इलाका कुतुबद्दीन ऐबक को, गजनी खेत्र ताजुद्दीन जलदोज को, नसरुद्दीन कुबाचा को पाकिस्तान का इलाका। मुहम्मद गौरी का कतल किसने किया, हाँ जी, एक खोखर लोगों ने किया। ठीक है जी, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द स्लेव ऑफ मुहम्मद गौरी, मुहम्मद गौरी का इन्होंने कि गुलाम नहीं सी, बख्तियार खिलजी सही सी, जलदोज भी सी, कुतुबद्दीन ऐबक भी सी, इल्तुतमिश नहीं सी, इल्तुतमिश जो वो कुतुबद्दीन ऐबक का सी, राइट आंसर बनेगा 4। पृथ्वीराज नूं कैद कर लिया गया, अजमेर लै जाया गया,
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੋਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਬਰਦਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਆਂਚਰ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਸ ਆਫ ਮਮਲੂਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸਰ ਆਫ ਜਿਸ ਨੇ ਮਮਲੂਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਦੇਵ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਡਾਈਡ ਇਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਲਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ, ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ, ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਬਕ ਨੇ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਫਖਰੂਦੀਨ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਨਾਜੀ ਉਰਜੂ ਗੋਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਗੋਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਹੈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੈਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।